नमस्कार दर्शक दोस्तों, सूरज चैनल के चुटनी चक्रव्यूह के टक्कर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और स्वागत है लिंबायत मत विस्तार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सुरेश सोनवणी जी और उनके साथ गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के महामंत्री और AICC के कावेरी सभ्य श्री रिजवान उस्मानी जी। सुरेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो जो घटनाएँ घटी और लिंबायत मत विस्तार में आप थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस में जुड़े हैं और बाद में तुरंत ही कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, इसके हिसाब से जो भी कुछ हवाला हुआ, अब परिस्थिति क्या है? मैं थोड़े दिन पहले नहीं जुड़ा हूँ। वैसे कांग्रेस के साथ मैं जब से जीणा भाई दर्जी, अमर सिंह भाई चौधरी, CD पटेल साहब थे, तब से मैं एक सैनिक करके बन के काम करता था, मगर फील्ड में नहीं था। और अभी जो परिस्थिति है, ठीक है कि जब घर होता है तो नया नया आदमी को कुछ लाभ मिल जाए, तो पुराने जो अपने घर वाले होते थोड़ा नाराज होते हैं, तो थोड़े नाराज थे। मगर आज ऐसी स्थिति है कि सबने संकल्प किया है कि 17 साल का वनवास अगर त्यागना है तो कांग्रेस के सिवा कोई विकल्प नहीं है। राइट। और आपके साथ जो NCP के उम्मीदवार है राजदीप जी, क्योंकि NCP और कांग्रेस का गठबंधन होने की संभावना थी, लेकिन वो गठबंधन गुजरात के बाकी के मत विस्तार में हुआ है, यहाँ पर गठबंधन हो ना पाया, ये अलग बात है। लेकिन उनके वोट जितने भी हैं वो कांग्रेस के ही वोट है, और अगर वो टूटेंगे तो आपको वोट कम पड़ने की संभावना है। ये संभावना को आप किस तरह से देखते हैं? NCP की ताकत को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे कि कोई भी युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो सेनापति और सैनिक के बिना लड़ाई लड़ी नहीं जाती। NCP के तमाम सेनापति, सैनिक, वो पोटला उठाने वाले सब लोग मतलब NCP छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, और जिसके पास सेना ही नहीं है वो सेनापति क्या चुनाव जीतेगा? इसलिए हमको उम्मीद है कि हमारे जो मित्र है, वो भी राजदीप भाई, वो खड़े केवल खड़े ही रहेंगे और वोट मुझे पड़ेंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को आप किस अंदाज से देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी इतनी ही मुश्किल में है जितना आप लोग भी थे, तो वहाँ पर जो माहौल बना हुआ है इसका सीधा फायदा आपको कितना होगा? तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी पे कुछ काम थोपा जाए तो वो कभी करता नहीं है। और पाया क्या जो कार्यकर्ता है वहाँ के, जो जैसे कि भारतीय जनता पक्ष के, उनकी अवहेलना करके, उनको बायकाट करके अगर किसी व्यक्ति को उन पर थोपा जाए तो स्वाभाविक ही है कि बड़ा संघर्ष होने वाला था और हुआ। और हर एक आदमी ये चाहता है कि आप ये फैक्टर को पूरा करो और नए लोगों को लाओ, नए लोगों को मौका दो। और भारतीय जनता पार्टी का जो असंतोष है, हमारे सब महाराष्ट्रीयन लोग वहाँ पे है मोस्टली, जो मतदाता है महाराष्ट्रीयन, UP, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, दलित, मुस्लिम, हिंदू समाज के तमाम जो लोग हैं, और उन्होंने संकल्प किया है कि भाई अभी जो एक सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं बदलना चाहिए ताकि आम आदमी को इसका लाभ मिले। और कांग्रेस पार्टी द्वारा, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा, राहुल जी द्वारा, अहमद भाई पटेल द्वारा, गुजरात प्रदेश के प्रमुख अर्जुन भाई मोढवाड़े द्वारा, और आदरणीय रिजवान भाई उस्मानी और शब्बीर मास्टर BC सोना, इन लोगों ने जिस तरह से मुझे प्रोटेक्ट किया है, मुझे उम्मीद है कि आज जो जिस तरह से उनकी कार्य करने की पद्धति है, मैं 24 आवर्स काम कर सकता हूँ। आज मैं एकदम मतलब बैचलर आदमी हूँ, मेरी बीवी गुजर गई है, मेरा बच्चों का शादी हो गई है, और मुझे कुछ अभी कोई लाइबिलिटी नहीं है। और एक ही लाइबिलिटी है कि मैं समाज का भला करूँ, आम आदमी का भला करूँ, मजदूरों का, कामदारों का, जिन पे जुल्म हो रहा है। और मैं कुछ पैसा वाला आदमी नहीं हूँ, मैं एक गरीब का, मजदूर का बेटा हूँ, और कामदार एक्टिविटीज से मैं आया हूँ। और सभी लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं, भले एक मेरे मतलब उनसे कोई कांटेक्ट हुआ ना हुआ हो, मगर कामदार प्रवृत्ति में मैंने उनके परिवारजनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा कराया है, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग मुझे दिल से चाह रहे हैं, और मैं जा भी जाता हूँ उनका फिर मेरा स्वागत होता है। कोई ये नहीं बोलता कि ये कमी है, वो कमी है, लोग ये बोलते हैं कि सूरज भाई आप चिंता मत करो, 110% आप जीतने वाले हैं। लेकिन क्या है कि ये चुनाव क्षेत्र में लोग बोलते बहुत है, और जितने कार्यकर्ता आके अगर ये बात करता है ना कि सब कुछ सेट हो गया है, अब चिंता मत करना, तब ज़्यादा चिंता करनी होती है, ये बात सब सहमत हो? ये बात से मैं 100% सहमत हूँ, मगर लोगों का चेहरा से पता चल जाता है कि दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। नकली बोलने वाले का भी मुझे अंदाज आ गया, क्योंकि मैं भी 35 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। रिजवान भाई ने मुझे राजनीति में लाया है, प्रोटेक्ट किया था उस समय कि जब प्रबोध जी पंड्या पत्रकार थे और गुजरात मित्र में फर्स्ट टाइम मेरा थोड़ा सा एक दलित मुक्ति सेना के नाम पर कॉलम आया था। और तो मुझे उम्मीद है कि जो
जो लोग का मैं चेहरा बता समझ लेता हूँ जो बोल रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि ये काम नहीं करेगा, मगर अभी तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जिसके चेहरे की बात को मैं नहीं पढ़ सका। सब दिल से बोल रहे कि यार ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पक्ष का कैंडिडेट आया है कि हमारा मत हम बेकार नहीं जाने देंगे, हम दारू पैसा या किसी के चक्कर में नहीं आएंगे या जात पात के चक्कर में नहीं आएंगे, हम काम करने वाला रात दिन जनता के साथ रहने वाला सूरज सोनी को जिताएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुरेश सोनवणी जी के साथ जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी है लिंबायत विधानसभा मतक्षेत्र से। लिंबायत विधानसभा मतक्षेत्र वाटरलू बन चुका है और उनका जंग पूरे गुजरात में आज नोदनीय स्तर पर आ चुका है, क्योंकि लिंबायत में जो हो रहा है वो बहुत कम जगह पर हो रहा है। सुरेश जी, गुजरात परिवर्तन पार्टी का अस्तित्व देवराज निमजे जो मंजे हुए माजी कॉरपोरेटर है, नगर सेवक है हमारे सूरत महानगर पालिका के, उनका वजन भी इस विस्तार में हो सकता है, वो किसके वोट काटेंगे, आपके या भारतीय जनता पार्टी के? देवराज लिमजे भी हमारे आदरणीय आगेवान है और मुझे पूरी उम्मीद है जिस जहाँ मैं घूम रहा हूँ वो उस लिंबायत विस्तार में देवराज लिमजे जी का आशीर्वाद मेरे पक्ष में रहेगा और वो भारतीय जनता पक्ष के 101% वोट काटेंगे, जिसका पूरा पूरा फायदा कांग्रेस को होगा। सुनोगे जी, थोड़ी आप हम पास्ट में चलते हैं, आपके भूतकाल में चलते हैं, आप कामदार नेता रह चुके हैं, कामदार नेता की शुरुआत आपने नेतागिरी की शुरुआत कब किया, पहले तो सूरत में कब से आए, फिर सूरत आके आपने कौन सी शुरुआत की, कामदार नेता होने के नाते आपने कामदारों की क्या सेवा की, ये भी हम हमारे दर्शकों को जानना चाहते हैं। मैं जब सूरत में आया तो मेरे पिताजी 1958 में बड़ौरा रेन का जब पाया खोदता मतलब चल रहा था बांधकाम, तब से एक मजदूर के हिसाब से वहाँ आए और उसी कंपनी में बाद में परमानेंट भी हो गए और मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ। वहाँ मैं क्योंकि मातृभाषा में पढ़ाई होती है तो मैं वहाँ SSC तक पढ़ा और उसके बाद SSC पास होने के बाद 1976 से मैं यहाँ स्टेबल हो गया और बड़ौरा रेन में ही अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत मैं वहाँ बॉयल अटेंडेंट की ट्रेनिंग ली मजूरा गेट इंस्टीट्यूट में और उसके बाद पांडेसरा में PT सिल्क मिल में मैं एक बॉयलर अटेंडेंट की तरफ से लगा जब मेरी उम्र शायद 21 साल की होगी और एक कंपनी में लगा एक दूसरी कंपनी में ओम प्रकाश जी के, जहाँ बॉयलर में थोड़ी मिस्टेक होने से वहाँ के मैं से मालिक ने ओम प्रकाश जी बाद में अच्छे मित्र हो गए, उन्होंने मुझे बोला कि इसको धक्का मार के निकालो, तो मैं बोला मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने ठीक है काम में मिस्टेक हो सकती है, तो बोले नहीं नहीं ये नहीं चलने वाला यहाँ पे, तो बोले वॉचमैन को बोला इसको धक्का मार के निकालो, मैं बोला धक्का मत मारो मैं खुद चला जाऊँगा और मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं सोचा कि मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को इस तरह से अन्याय होता है तो आम जो देहात का आदमी है जो मजूरी करने गाँव से है उस पर कितना शोषण होता होगा। और तब से मैंने एक संकल्प किया कि भाई अभी हमें कुछ करना चाहिए और हमने एक छोटा सा संघ बनाया दलित मुक्ति सेना के नाम से और थोड़ा मजदूरों पे जो जुल्म हो रहे थे उनके लिए काम किया और सीधा बाद में आपने कोई नौकरी नहीं की, सिर्फ दलित मुक्ति सेना ही चलाई, वहीं से उसका गुजारा हुआ? नहीं नहीं, बाद में मैंने वेली संस में जो अभी बंद पड़ेगी बाद में वेली संस कंपनी में बॉयल अटेंडेंट की तरफ से रहा, मगर बॉयल अटेंडेंट का इतना ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होती है, अगर फायरमैन अच्छा हो तो बॉयलर चलता रहता है तो मुझे टाइम मिल जाता था, तो लोगों का जब झुपड़पट्टी में बहुत उस समय अन्याय अत्याचार होते, झुपड़पट्टी दादाओं का बहुत बड़ा राज था, लोगों पर जुलूम करना झुपड़े हड़पा लेना, तो हमने छोटी सी संगठन जब शुरू की JBM युवक संघ के माध्यम से, ऐसे कुछ लोग होते थे थोड़ा ईट का जवाब हम लोग पत्थर से दे देते थे और इसे ऐसे करते करते पूरे सूरत शहर के झुपड़पट्टियों में हम लोग छा गए। उस समय पे BC सोने साहब, रिजवान भाई उस्मानी साहब, उस समय उषाबेन पटेल धारा सभ्य थी, उनका सब पॉलिटिकल भी हमको सहयोग मिलता गया और जीना भाई दर्जी जो थे जब भी रिजवान भाई को आते थे तो हमको मतलब एक उनका मतलब जो विचारधारा से हम लोग थोड़े जुड़ गए और बाद में फिर एक रिपब्लिकन पार्टी का उस समय बहुत बड़ा ये चला तो प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े जी थे उनके माध्यम से हम लोग काम करने लगे और धीरे धीरे इस मिशन में हम लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन जोगेंद्र कवाड़ी जी का साथ आपने अभी अभी छोड़ दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई, पूरी साल पूरी जिंदगी आपने उनके कवाड़े जी के साथ की, रिपब्लिकन पार्टी का आपने नमक खाया और अभी अभी ये क्या क्या मतलब? नहीं, नमक खाया है क्या भाई, बाबा साहब के विचारों का बंधा हूँ, मगर मुझे ऐसा लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो है गुजरात में स्टेबल हो गई, विकास की बात कर रही है, विकास के नाम आप जाके देखो लिंबायत में क्या विकास हुआ है, और जहाँ मनुवादी लोग है मुड़ुवादी लोग है वही विकास हुआ है और हमारे जो प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े साहब है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए हैं और मैंने उनको पूछ के किया है काम, मैंने बोला सर कि अगर मनुवादियों को जातिवादियों को हटाना है सत्ता में से गुजरात में तो हमें कांग्रेस के बिना विकल्प नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं और कवाड़े साहब मेरे प्रचार के लिए आएंगे। मैंने पार्टी के साथ कोई नमक हलामी गद्दारी नहीं किया और मेरे खून में गद्दारी शब्द लिखा ही नहीं है, जो भी काम करता हूँ आज रिजवान भाई के साथ भी हम लोग जब मोहनलाल का मैटर हुआ था कंपनी का तब से उनके साथ जुड़े हुए हम लोग, मतलब 1980 के पहले से,
तो मैंने किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं की, मैंने विकास के लिए गरीबों को न्याय मिले, जो मजदूर लोग उनको न्याय मिले, और मैं अकेले के बल पे नहीं कर सकता था, राष्ट्रीय प्रवाह में आने की जरूरत थी, और राष्ट्रीय प्रवाह में लाने के लिए रिजवान भाई और मोहन प्रकाश जी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, एक मुरे जी करके तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, और मुझे ऐसा लगा कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन होगा, उनको फायदा होगा, अगर जो भी कुछ हो 5-5 हज़ार वोट हम ले भी आएंगे तो जीतेंगे तो नहीं, और ये विश्वास होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी हमको राष्ट्रीय प्रवाह के साथ जाना है, ताकि आम आदमी को, गरीब को, किसान को, मजदूर को अगर न्याय दिलाना है तो कांग्रेस के बिना कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैंने बहुत विचार विमर्श करके हमारे समाज के आगे वालों को विश्वास में लेके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और कांग्रेस को फिर से स्टैबिट करने के लिए यहाँ पर पंजे के निशान पर मैं लड़ रहा हूँ। नहीं तो सुरेश जी, कामदार संगठन के आप नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कामदार की हालत तो कभी सुधरी नहीं है, वो कामदार तो वहीं का वहीं है, कामदार नेता शायद उच्च स्तर पे पहुंच गए होंगे, यूनियन की जो जो मांगे थी, यूनियन की जो एक धाक थी, वो धाक खत्म हो चुकी है, क्या रीज़न हो सकता है? मैं जब हम लोग 82 में और 87 में मैंने जब राष्ट्रीय मधुसेना प्रोफेसर कवाड़े के नेतृत्व में रजिस्टर की, उस समय हम लोग कामदारों को न्याय दिलाते थे, कामदारों को हक रजा, बोनस, प्रोविडेंट फंड, एसआई, ग्रेजुएटी, महिलाओं को प्रसूति वेतन सभी दिलाते थे, मगर जब से 95 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और केशव भाई जब सीएम बने, उसके बाद से आप लगातार कामदार कायदाओं को डिमोलिश किया गया, कामदार कायदाओं का हनन किया गया, अधिकारियों को कहा गया कि आपको खाली फरियाद लेना है, उनको कोर्ट में जाने दो, आज कोर्ट में लाखों फरियाद पड़ी है। जब कांग्रेस के जमाने में अधिकारी डरते थे, आम आदमी अगर मोर्चा लेके जाए, मजदूर आदमी चला जाए, हम आगेवान चला जाए तो अधिकारी खड़े होते थे, आज हम फोन करते हैं तो कोई भी आप किसी भी ट्रेड यूनियन को पूछ लो, अच्छा भारतीय जनता पार्टी वाले के भी ट्रेड यूनियन के आगेवान होंगे, उनको भी आप पूछ लो कि कामदार कायदे का कोई अमल इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या। आज आप देखो महिलाओं से राजपाली में काम करा रहे हैं, पांडेसरा बोलो या शहर के अन्य मिलों में बोलो, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि महिलाओं को 7 बजे के बाद काम पे नहीं जाना है, मगर आप मेरे साथ चलो स्टिंग ऑपरेशन करो, महिलाओं रात को काम कर रही है, उनकी कोई सुविधा नहीं है, ना संडास है, ना बाथरूम है, ना किसी प्रकार की पालना घर है, मजदूरों को 12-12, 16-16 घंटा काम लिया जाता है, और ये देन केवल भारतीय जनता पक्ष की नरेंद्र भाई मोदी की देन है कि कामदार कायदों को डिमोलिश किया जा रहा है, और आप बोल रहे हैं कि मजदूर नेता बड़े बन जाते हैं, बनते होंगे, बने होंगे, मगर सुरेश सोने आज भी प्रेमनगर झुपड़पट्टी वसाद में रहता है, मजदूरों के साथ जुड़ा हुआ है और मजदूरों के काम करने के लिए आधी रात को तैयार है। अगर मैं विधानसभा में जाऊँगा कि जो जो काम, जो जो कानून भारतीय जनता पक्ष ने डिमोलिश किया है, चाहे वो बोनस एक्ट हो, चाहे मिनिमम विजेज का एक्ट हो, चाहे प्रोडक्ट फंड का एक्ट हो, चाहे डबल ओटी का मतलब कानून हो, चाहे 8 घंटे की ड्यूटी हो, चाहे मजदूरों का शोषण हो, आज तो ऐसी स्थिति है साहब कि कामदार को काम लिया जाता है और एम्ब्रॉयडरी मशीन अब टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो कामदारों का पगार काट लेते हैं, ये कौन सी सिस्टम है? हमने एक मिल में एक आदमी मर गया, हमने ये कहा कि अभी हमको पैसा नहीं चाहिए, तो 1-1.5 लाख, 2 लाख दे होनी चाहिए, आदमी के बदले आदमी मर गया ना, उसके बदले हमको आदमी जिंदा करके दे, तो बोले कैसा शक्य है? तो तुम लोग जब कामदार के हाथ से कोई मशीनरी फॉल्ट हो जाता है या कोई माल बिगड़ जाता है तो पैसा काट लेते हैं, ये कौन सा कानून है? तो मैं सभी हमारे कामदार साथियों को भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अगर चाहते हैं कि कामदार कानून का सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो, अमल हो, तो चौक्कस वो मुझे जिता के देने वाले हैं, और जैसे ही जाऊँगा गुजरात की विधानसभा में कामदारों के लिए सबसे पहले मैं काम करूँगा। दर्शक मित्र, हम बात करें सुरेश सोनवणी जी से, जो कि लिंबायत विधानसभा मत क्षेत्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वैसे कामदार नेता है, और कामदार नेता के पास बहुत कुछ बोलने जैसा होता है, इसलिए हम बात में आगे बढ़ के उनके साथ और बातें शेयर करते हैं। आपका जो कार्यक्षेत्र था अभी तक, पांडेसरा, भेड़वाड, भेस्तान, वड़ोद, ये सब कार्यक्षेत्र रहा, अचानक लिंबायत आपके मत क्षेत्र में कैसे आ गया? आप वहाँ जाके लिंबायत की लोगों की सेवा कैसे कर सकेंगे? लिंबायत के मत क्षेत्र के लोग ये मानते हैं कि आयाति उम्मीदवार है, बाहर से आवा हुआ है, तो आपका स्वीकार कैसे होगा? देखो, मजदूर की कोई जात नहीं होती, धर्म नहीं होता, प्रांत नहीं होता, इलाका नहीं होता, मजदूर तो पूरा भारत का मजदूर है, और एक मजदूर आगेवान के नाते लिंबायत मुझे कुछ अनजान नहीं है, लिंबायत में हमारे बहुत से साथी रहते हैं, और ये बॉर्डर पे है, ये तो एक हवा खड़ी कर दी जा रही है कि भाई सूरज सोने बाहर के है, भाई बाहर के तो सभी लोग अपना वतन छोड़ के यहाँ पे आए तो सभी लोग बाहर के हो गए, मैं कहाँ से बाहर का हो गया, मगर एक डिमोलिश करने के लिए कि मेरी जो मतलब स्टेबिलिटी है उसको हानि पहुँचेगी, सूरज सोने बाहर के एक आदमी मुझे मिला, और ये भारतीय जनता पार्टी एक उनका तो है कि भय खड़ा करो और फिर भ्रष्टाचार करो वगैरह वगैरह, वो भी सूत्र मेरे लिए अपनाया जा रहा है कि सूर्य सोने बाहर का है, बाहर का है, बाहर का है, भाई मैं कहाँ बाहर का हूँ, मैं तो घर का हूँ, जो बाहर के उनको निकालो ना वहाँ से, जहाँ घुस कर आपने भेजा है,
तो बाहर की जो हवा भारतीय जनता पक्ष के लोग कर रहे हैं, हमारे कामदारों ने जवाब दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है आप देखते हो, वो भी कहा कि है, वो भी हमारे उतना में रहते बहन जी, तो ये हाव खड़ा किया। और मैं केवल लिंबायत का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं ट्रेड यूनियन एक्टिविटी से कच्चे से लेकर तो वापी के तक मेरा कामदारों का संगठन चलता है। में भी कई वापी जो वापी के जो गारमेंट की फैक्ट्री थी, कई राजकोट में, कच्छ में, गांधीधाम में लगी, वहाँ भी हमारी यूनियन चल रही है। तो मजदूर नेता कोई एक इलाके का नहीं होता है। और राष्ट्रीय पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ, और सतम में हमारे जो यूनियन है वो इंटुक के साथ जुड़ी हुई है, और इंटुक के नाते भी हमारे सभी क्षेत्र के लोगों से संबंध है। और जो ये जो हवा खड़ी की जा रही है उसको ये हमारी लिंबायत की जनता कड़े तोड़ जवाब देगी और 101% पंजा को मतदान करेगी। लिंबायत मत क्षेत्र के प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या क्या है? वैसे तो विकसित प्रदेश है, फैक्ट्री है, कारखाने हैं, तो वहाँ पे सुविधा तो दी गई है, रोड है, रास्ता है, पानी है, गटर है, और मेरे ख्याल से जो भी कुछ महानगर पालिका दे सकती है वो सब कुछ उन लोगों ने किया है। अब आप बोल रहे हैं कि समस्या बहुत ज़्यादा है, कौन सी समस्या है? मैं आपको अगर एक ही जवाब में इसका उत्तर दे दूँ तो भारतीय जनता पक्ष की हुकूमत सूरत महानगर पालिका में है। और हम जनरल लोग चर्चा करते हैं कि माँ का प्रेम और दाइन के प्रेम में क्या क्या फर्क होता है। जो माँ अपने बेटे से प्यार करती है और दाइन जो बच्चा को जन्म देने के लिए काम करती है, वही फर्क लिंबायत के लोगों के साथ हो रहा है। आज आप जाके पार्ले पॉइंट पे देख लो कितना विकास हो रहा है, वराशा में जाके देख लो कितना विकास हो रहा है, उधर शहर के अन्य भाग, लिंबायत एक अछूता विस्तार गण लिया है। लिंबायत में जो लोग हैं वो भारत के देहातों में से आए हुए लोग हैं, और देहातों को लोगों को सुविधा देने की क्या आवश्यकता है? और चिल्लाएंगे क्या करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, और क्या कर सकते हैं? मगर जो लोग ये सोच लेके बैठे हिटलरी विचार के लोग, उनको हमारा खुला चैलेंज है कि बकरे की माँ कब तक दुआ मांगते, एक ना एक दिन तो ऐसा है। तो ये जो विकास में रोड़ा डालने वाले लोग हैं उनको लिंबायत की जनता हटाने वाली है। और जब हम देख, आप एक भी वह अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, वह कोई बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के साधन नहीं है, वह कोई गार्डन नहीं है, वह कोई हेल्थ क्लब नहीं है, वह कोई स्विमिंग पूल नहीं है, वह कोई रास्ते अच्छे नहीं है। आप सोसाइटी में जाके देखो, जब कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, आप बताओ, लिंबायत जस्ट लाइक टू द विलेज ऑफ इंडिया। वहाँ के लाइट की सुविधा देखो, और पोस्ट ऑफिस नहीं है, किसी प्रकार की वह दैनंदिन सुविधा की, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। उस दिन हमारे माता बहनें जब नौकरी पे जाती है तो रिक्शा में 10-10 बहनें बैठ के जाती है, जबकि भारत सरकार के रेलवे में एक अगर भैंसा हमारे हरियाणा से जलगांव आती है तो एक भैंसा एक डब्बे में आती है, वैगन में आती है। जबकि हमारे बहनें जो मजदूर वर्ग की है, काम चाहे सभी धर्म के, चाहे पाटिल समाज के, दलित समाज के, मुस्लिम समाज की बहनें काम पर जाती है, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश की बहनें जाती है, तो एक बहन 8-10 बैठती है। अगर झूठो तो मैं आपको कल इंटरव्यू करा दूंगा। तो कोई सुविधा के नाम पे मिंडा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, पोस्ट की सुविधा नहीं है, किसी प्रकार के रोड लाइट ड्रेनेज की सुविधा नहीं है। और ऐसे अछूत जैसे विस्तार में हमें काम करना है, और लोग अपना गुस्सा 13 दिसंबर को बराबर निकालेंगे। जी आपने बताया कि पूरे देश के लोग यहाँ पर रहने के लिए आए, मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कुछ है, पैसा है, विकास है, और वो कृषि विकास की दुहाई मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को देती है, तो इस विकास को आप किस अंदाज से देख सकते, किस नजरिए से देखते हैं? अगर मुख्यमंत्री ने इतना विकास नहीं किया होता तो जिस जैसी भी हालत है, इतनी भी हालत आपकी नहीं होती। ये जो विकास हुआ है, आपको बताओ कि सबसे पहले या किसकी सरकार थी, बाबा जसू पटेल से लेकर अभी तक कांग्रेस की सरकार थी, और जो विकास किया है कांग्रेस ने किया है, अब उसका लाभ ले रहे। जैसे कि मैंने घर बना के रखा है और घर में मैंने सब कुछ सजा सुझा के रखा है, और बाय चांस मैं कहीं बीमार पड़ गया या थोड़ा मुश्किल में आ गया, और मेरा आके मेरा बेटा आके बोल लेगा हर्षवर्धन सोने की, ये तो सब मेरा है, इसका तो दूसरे का कोई है ही नहीं। ऐसे ही कंडीशन आदरणीय मोदी साहब की है, बना बनाया घर कांग्रेस ने, विकास कांग्रेस ने किया है। और मराठी में तो कहते ना, आड़त्या बोला आयत्या बीड़ पर नागोबा, वो आके बैठ गए और कह रहे कि मैंने विकास किया है। अगर आपने विकास किया हो तो लिंबायत में आके दिखाओ क्या विकास किया है। लिंबायत में स्कूल है, कॉलेज है, कुछ सुविधा दी है, ये विकास होता है। इंडस्ट्री जो है वो उसी जमाने की लगी है, मोदी जी के जमाने में तो सब इंडस्ट्री खत्म हो रही है, लेकिन वो आप संभाल नहीं पाए। कांग्रेस, उन्होंने अगर नींव डाली थी तो उसका फल भी तो कांग्रेस को मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं संभाल सके। ये निष्फलता है उसकी नेतागिरी की? नहीं, निष्फलता नेतागिरी की नहीं, समाज का सृष्टि का नियम है परिवर्तन, परिवर्तन आता है जाता है, आप परिवर्तन आने का समय आ गया है, कोई निष्फलता नहीं है। हम सफलता के लिए रिजवान भाई जैसे लोग लगे, शब्बीर मास्टर जैसे लोग लगे, बी सी सोना जैसे लगे, अशोक भाई जीरावाला जैसे हमारे शहर प्रमुख लगे, बाबू रायका जैसे
500 लोग लगे हैं और सब लोग इस परिवर्तन के लहर में जुड़कर इस जो विकास की खाली गुलबांग है पुकार रहे हैं उनको दिखा देंगे कि विकास किसको होता है। और सही विकास केवल कांग्रेस ही कर सकती है। आप देखो FDI के जो भी कुछ उन्होंने लाई है योजना है वो देश के विकास के लिए है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पक्ष के जो मोदी साहब है केवल न केवल खाली विकास की बात कर रहे हैं मगर आम आदमी का विकास हुआ नहीं है, यहाँ के किसान का विकास हुआ नहीं है, यहाँ के मजदूर का विकास हुआ नहीं है। विकास हुआ है आप भी जानते हैं कि हमारे नेता बोल ही रहे अगर विकास हुआ है तो 5 लोगों का विकास हुआ है। 6 करोड़ की जनता आज भी विकास के लिए तरस रही है और इसीलिए इनकी सरकार जा रही है। सूरज जी एक अंतिम प्रश्न, आपने जितने भी नाम गिनवाए कांग्रेस में यही बात होती है कि जितने नेता इतने गुट, और वो गुटबंदी से लेकर आज आप महानगर पालिका गंवा चुके हैं, आप धारासभा गंवा चुके हैं, आप सूरत भारत के गुजरात के जो सांसद हैं वो गंवा चुके हैं, और पूरे जगह पर सूरत की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है। ये गुटबंदी आपको भी शायद ग्रहण लगा सकती है? नहीं, मुझे तो ऐसा आज तक ऐसा कोई लगा नहीं ग्रहण, जैसे उल्टे लोगों ने मेरा स्वागत किया है। कांग्रेस के हमारे इंटू राज है, जो भी हमारे वार्ड प्रमुख है गोपाल पाटिल है, तमाम लोगों ने मिलकर इस कहा कि भाई आप आगे बढ़ो। और जो भी नेता है कांग्रेस के, अब एक का नाम लोगों देख को गुस्सा आ जाएगा, तमाम लोगों ने मुझे बधाई दी है और सब काम पे लगे हैं। ऐसे कोई जगह से ये नहीं आया कि मैं ये गुट का उसका काम मत करो, ये गुट में का बोलोगे उसका फलाने का काम मत करो। सब ने बोला है कि हमें कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस आएगी तो विकास होगा, हम लोग मजबूती से आगे आएंगे। और जो भूतकाल था सब लोगों ने भूतकाल पे चौकड़ी मार दी है, वर्तमान और भविष्य की ओर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता हर एक सैनिक लगा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि भूतकाल के सब जो अफवाह है वो हवा हो जाएगी और वर्तमान में कांग्रेस के हर सैनिक, चाहे सेवा दल है, NUSA है, वो कामदार संघ है, तमाम जितने भी कांग्रेस के फ्रंट है, वो जुदे जुदे जो सेल है वो तमाम लोग हमारे प्रचार में लगे हैं। किसी का कोई प्रकार का मंदूक या मतभेद या जूतबंदी नहीं है। और मुझे इसलिए मुझे उम्मीद लगी है कि 110% जब हम संगठित हो जाते हैं कांग्रेस तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। और आज लिंबायत बैठक में नहीं बल्कि समग्र गुजरात में इस परिवर्तन के धारा में हम कांग्रेस वाले बहेंगे और परमेश्वर की, ईश्वर की, अल्लाह की कृपा से 101% ये सीट हम जीतेंगे। मराठी में आपके मतदाताओं को आप वचन क्या देंगे अगर आप जीत गए तो? जीत गए तो मैं ये कहता हूँ कि मैं भी आप लोगों से आया हुआ हूँ, आप लोग मेरे भाई बंधु है, आप लोग मेरे मतलब मैं तो किसी मजदूर का, मैं तो पहले बोला कोई जात पात धर्म होता नहीं है, मजदूर का एक ही धर्म है पसीना पहाड़ो और काम करो। मैं पसीना पहाड़ के इन मजदूरों के हमारे विस्तार के लिए और गुजरात के विकास के लिए मैं काम करूँगा। और यही आप सभी मेरे मतदाताओं से मेरी अपील है, विनंती है कि आप किसी के बहकाव में ना आए, किसी के कहे सुनने में ना आए, किसी के मतलब प्रलोभन में ना आए और खुलकर जिंदा दिल होकर आप कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताइए। आज आप मुझे जिताएंगे तो कल आपकी सेवा करूंगा और जीवन के अंत तक हमारे लोगों की सेवा करता रहूंगा। जय हिंद। दर्शक दोस्तों, तो ये थे सुरेश सोनवणी जी, गुजरात विधानसभा लिंबायत सूरत मत क्षेत्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार अपने विचारों के साथ। और आप थे रिजवान उस्मानी जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एवं AICC के सभ्य। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत चैनल के चुप्पी चक्रव्यूह का टक्कर कार्यक्रम आपके साथ का यहाँ समाप्त करते हैं। आपके दोस्त निखिल मद्रासी और साबिर अली सैयद को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।